जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस वीडियो फॉर क्लास 10, लेसन नंबर 3, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मोढेरा सन टेम्पल एंड द मिडिवल आर्किटेक्चर एंड द गुजरात आर्किटेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सन टेम्पल ऑफ द मोढेरा, दैट इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट। सो द मोढेरा सन टेम्पल ऑफ द मोढेरा इज सिचुएटेड इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द मोढेरा विलेज। It is built during 1026 AD in the era of the Bhimdev Solanki first from the Solanki dynasty. Solanki dynasty जो रूल ओवर करती थी भारत के अंदर, उसके अंदर एक प्रतापी राजा थे भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, और उन्होंने 1026 AD में बनाया सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, सन गॉड टेम्पल। उसकी खास विशेषता क्या थी? तो सूर्य भगवान, जैसे हमारे हिंदू कल्चर के अंदर सुबह में सूर्य, ऐसा हम एक मान्यता है हमारे अंदर कि सुबह में सूर्य भगवान अपने रथ के ऊपर, सफेद घोड़ों के ऊपर का साथ उनके जो हॉर्सेस है, और अपने रथ के ऊपर बैठे हुए वो सुबह में आते हैं, ऐसी एक हमारी कल्पना है। तो उसी कल्पना को इस मंदिर के अंदर उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। इट इज द चैरियट टेम्पल, दैट इज ऑल्सो द चैरियट टेम्पल। एंड उस टेम्पल के पिनेकल के ऊपर जो है वो एक होल रखा गया है, जो पिनेकल है उस टेम्पल का ऊपर का, जो जहां पे शिखर होता है, जहां पे हम ध्वजा लगाते हैं, तो वो जो है वहां पे एक बहुत ही बड़ा हॉल है। एंड द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, जो सूर्य की जो पहली जो किरण होती है उस टेम्पल के ऊपर जो गिरती है, और उस टेम्पल के ऊपर का जो ये हॉल है उसके अंदर से ये जो रेज है वो जाता है गर्भगृह के अंदर। एंड इन द गर्भगृह दैट इज अ वन जेम इज स्टडन इन द सेंटर प्लेस ऑफ द गर्भगृह, कि सूर्य भगवान की वहां पे जैसे एक स्थापना की गई है, बहुत ही एक वैल्यूएबल एंड बहुत ही कीमती एक वहां पे जेम्स रखा गया है। एंड द फर्स्ट रे ऑफ द सन उस जेम्स के ऊपर गिरती है, और द इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल दैट इज द सेक्टम लाइट अप एंड विद द डिवाइन एटमोस्फियर। तो मंदिर का जो एटमोस्फियर है कि सन, जो फर्स्ट रे ऑफ द सन वो होल के अंदर से मंदिर के गर्भगृह में जाता है, और गर्भगृह के अंदर रखा हुआ जो जेम्स के उसके ऊपर ये सनरेज गिरता है, और जिसकी वजह से पूरा गर्भगृह प्रकाशित हो जाता है, दैट इज द डिवाइन एटमोस्फियर। यही उसकी खास एक विशेषता है। देन आफ्टर द 12 इमेजेस ऑफ द सन गॉड, सूर्य भगवान के जो 12 नाम है अलग अलग संस्कृत में, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्या नमः, ऐसे टोटल सूर्य भगवान के जो 12 नाम है, 12 इमेजेस है, तो वो सारी जो इमेजेस है उस मंदिर के अंदर जो बताई गई है। एंड दिस टेम्पल इज द कंस्ट्रक्टेड इन द ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब अलग अलग फिक्शन के मंदिर होते हैं, जैसे नागर फिक्शन होता है, द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट होता है, मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट होता है, गोपुरम स्टाइल ऑफ आर्ट होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ये आर्ट होती है, उसमें से ये सन टेम्पल, आपको याद रखने का, सन टेम्पल मोढेरा दैट इज बिल्ड ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। और उस मंदिर के आजू बाजू टोटल 108 स्मॉल टेम्पल्स है। एंड इन द डॉन एंड डस्क टाइम, मतलब अर्ली मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, जिसको हम संध्या समय बोलते हैं, वहां पे एक बहुत ही सुनहरा दृश्य वहां पे पैदा होता है, वहां पे वहां की मॉर्निंग और डस्क टाइम की जो वहां पे जो एटमोस्फियर होता है, उस दिए जलाते हैं, तो इट इज अ डिवाइन एटमोस्फियर। और ये देखने के लिए विदेश फ्रॉम द फॉरेन पीपल्स, विदेश से भी लोग हमारे गुजरात के अंदर ये देखने के लिए आते हैं, सन टेम्पल ऑफ द मोढेरा। दूसरा एक सन टेम्पल है कोणार्क के अंदर, ओडिशा के अंदर है, उसके डिटेल में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 के अंदर। नाउ नेक्स्ट, द मिडिवल आर्किटेक्चर्स ऑफ अवर नेशंस। द मिडिवल आर्किटेक्चर मतलब मध्यकालीन भारत। अगर आप इतिहास को, भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री इफ यू स्टडी, सो देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ दिस एरा, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट इंडिया की बात करें, फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC, मतलब आज से 5000 साल पहले से लेकर जो 7th-8th सेंचुरी तक जो इतिहास जो चला,
दैट इज द पृथ्वीराज चौहान तक, वो दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज द एंशिएंट इंडिया। फिर उसके बाद आ गया मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक पोस्ट मिडेवल पीरियड और एक प्री मिडेवल पीरियड। कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12 शताब्दी, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 12 शताब्दी जो राजा महाराजाओं का जो एरा था, वो खास करके वो है दैट इज अबाउट द मिडेवल पीरियड। और उसके बाद का जो मिडेवल पीरियड है दैट इज द मुस्लिम रूलर्स। कि आप लोग जैसे जानते हो कि 12 शताब्दी में 11th सेंचुरी के बाद देश के अंदर जो मुस्लिम अटैकर्स आने लगे धीरे धीरे, और यहाँ पे उन्होंने अपना शासन किया। तो इन द मिडेवल पीरियड मध्यकालीन जो भारत है वो ज्यादातर वो मध्यकालीन भारत रहता है, जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते तब तक मध्यकालीन भारत, जहांगीर का समय 15th-16th सेंचुरी तक, एंड देन आफ्टर द मॉडर्न एरा जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद का जो भारत का जो इतिहास है वो हम उसकी गणना करते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न एरा टिल टू द टुडे। सो दीज आर द थ्री सेक्शंस ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री, द एंशिएंट इंडिया, मिडेवल पीरियड एंड इन द मॉडर्न पीरियड। सो इन द मिडेवल पीरियड, मध्यकालीन भारत की हम अगर बात करें तो इन द मिडेवल पीरियड 1000 से हमारे देश के अंदर 1000 एडी से हमारे देश के अंदर मुस्लिम अटैकर्स धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ अवर इंडियन प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज ऑफ अवर टेम्पल्स, हमारे देश जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे था, बहुत ही सोने चांदी से भरपूर हमारे मंदिर थे, तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लूटने के लिए 1000 से मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया था 700 के आजू बाजू। फिर उसके बाद 1000 से धीरे धीरे हमारे देश के अंदर अलग अलग जो मुस्लिम अटैकर्स थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी, द वॉर ऑफ तराई वॉर जो फेमस है, इन द 1191 द फर्स्ट तराई वॉर, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरीके से हराया, एंड इन द सेकेंड तराई वॉर इन 1192 मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ऐसे कथाओं के अंदर लिखा गया कि 17 टाइम्स पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को 17 टाइम्स हराया था, 17 बार उसको जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब ये मोहम्मद घोरी ने, फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में, या तो शायद कोई दूसरी रीजन की वजह से, कि भाई 18 टाइम्स जब ये मोहम्मद घोरी दिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए आया तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और हमारे देश के अंदर बाद में मुस्लिम्स जो रूलर्स थे, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे स्थापना हुई। ये मोहम्मद घोरी जो पृथ्वीराज चौहान को जो हरा के गया, वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ में लेके गया, हालांकि उसके बहुत एक हेरोइक स्टोरी है, वी विल स्टडी इन द लेसन नंबर 4 रिगार्डिंग अबाउट द चंद बरदाई बुक के अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है, तब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मोहम्मद घोरी, और मोहम्मद घोरी का एक गुलाम था, एक स्लेव था उसका, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद घोरी चालाक था, उसने भारत की जो राजनीति के अंदर, या तो भारत को अपना नहीं बनाया, जो पॉलिटिकल जो एरा है वो अपने एक गुलाम को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, और उस गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद घोरी अपने प्रदेश में रवाना हो जाता है। एंड दिस कुतुबुद्दीन ऐबक वो इतना ऑनेस्ट था कि उसने अपने डायनेस्टी का नाम ही रख दिया स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। और ये जो गुलाम वंश के दौरान हमारे देश के अंदर मॉस्क्यू, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, दैट इज द मिडेवल पीरियड। यहां से मध्यकालीन भारत जो है वो ऐसे पहले से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां से मुस्लिम जो शासक से यहां पे शुरू होता है। तो फर्स्ट जो थे मुस्लिम शासक, दैट इज द कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया यू ऑल ऑफ यू, दैट इज द कुतुब मीनार। हालांकि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन से पहले उनकी मौत हो गई, और उनके सन इन लॉ जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने ये कंप्लीट करवाया था। सो दैट इज द कुतुब मीनार। फिर उसने एक दूसरी एक मस्जिद बनाई कुवात उल इस्लाम एंड द ढाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। Now we will study the different medieval period, the architectures of the medieval period. बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल के अंदर आदिना मॉस्क्यू इन पंडुरा रीजियन, एंड ऑल्सो द टॉम्ब ऑफ जलाल उद मोहम्मद, द टॉम्ब मतलब कब्र,
कि मुसलमान जो थे वो टॉम्ब कब्र बहुत बनाते थे एट द तांतीपारा। जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर के अंदर द सुल्तान ऑफ टर्की, टर्की के सुल्तान ने बनाया था अटाला मॉस्क्यू एंड ऑल्सो द ग्रिल विथ डॉम, एक डॉम बनाया था ग्रिल के साथ, दैट इज ऑल्सो इन द जौनपुर। एंड दिस डॉम विथ ऑल्सो द इंक्लूडेड इन द इंडियन डिजाइंस, उसके अंदर इंडियन डिजाइंस के भी ऐड किया गया था और उसके अंदर लोटस का भी डिजाइन बनाया गया था मस्जिद के अंदर। मालवा, मालवा के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है मांडू बिल्डिंग, द सुल्तान दैट इज दिस बिल्डिंग दैट इज विच द वेरी इंप्रेसिव डॉम्स, डॉम्स मतलब बहुत ही जबरदस्त इंप्रेसिव ऐसे गोल गुंबज बनाते हैं बहुत ही विशाल, तो ये बनाए गए थे। That is also the carving the balcony, balcony जरुखा, ये मिडिवल पीरियड के अंदर जो मुस्लिम शासक के अंदर बालकनी जिसको जरुखा बोलते हैं वो बहुत ही एक फेमस आर्ट था, तो वो भी बनाया गया था। एंड द टॉम ऑफ द होशंगशाह, ये होशंगशाह जो है जो टॉम ऑफ द होशंगशाह दैट इज ऑल्सो इन दिस मालवा विथ द मार्बल, जो इंडियन स्टाइल आर्ट के अंदर, इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के अंदर ये टॉम बनाया गया था। द अदर प्रोविंसेस इन द कश्मीरी एंड द बहमनी रूलर्स, ये जो मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के अंदर, कश्मीरी एंड साउथ के अंदर जो थे बहमनी रूलर्स नॉर्थ एंड साउथ के अंदर, सो दिस कश्मीरी एंड द बहमनी रूलर्स हैज मेड द डॉम ऑफ बीजापुर, साउथ के अंदर बीजापुर करके प्लेस है वहां का डॉम जो पहले विजयनगर एम्पायर था, तो वो बहुत ही फेमस है बीजापुर। द बिल्डिंग द बिडार, गुलबर्गानी, मदरेसा ऑफ मोहम्मद गावा, द हम्पी विट्ठल स्वामी टेम्पल, द हजारा रामा, द गोपुरम, आर्टिस्टिक पिलर्स, दीज आर्ट आर वेरी फेमस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, साउथ का जो आंध्र प्रदेश से सट के जो इलाका है दैट इज द इट इज द विजयनगर एम्पायर इन द एंशियंट टाइम्स एंड ऑल्सो इन द मिडिवल पीरियड, जो मिडिवल पीरियड के अंदर जो मुस्लिम शासकों ने वहां पे अलग अलग डॉम्स और ये सब बनाया इन दिस एरा। सो दीज आर अबाउट द मिडिवल आर्किटेक्चर्स ऑफ अवर इंडिया। उसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज आर्किटेक्चर्स ऑफ द गुजरात, गुजरात का जो आर्किटेक्चर से गुजरात की जो कला है वो हम पढ़ेंगे। ये सेम जो आंसर है दैट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेसन अबाउट द कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, फर्स्ट लेसन याद करो आप, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा, फर्स्ट लेसन था हेरिटेज ऑफ इंडिया और उसमें हमने दो प्रकार के हेरिटेज पढ़े थे, एक हेरिटेज दैट इज द नेचुरल हेरिटेज, सेकेंड इज द कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज दैट मीन्स द क्रिएटेड बाय द नेचर एंड द कल्चर हेरिटेज that means created by the human. So in the culture heritage of India we have studied and the culture heritage of the Gujarat. So same that is the architectures of the Gujarat. कि गुजरात के अंदर हर एक धर्म के हर एक जो प्रांत हर एक संप्रदाय के हर एक सेक्स के यहाँ पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे बुद्धा का स्तूपा हो, विहारा हो, चैत्यास हो, टेम्पल्स हो, मॉस्की हो, फोर्ट्स हो, रॉयल पैलेसेस हो, लेक्स हो, डैम्स हो, दीज ऑल आर द कंस्ट्रक्टेड इन अवर गुजरात। तो गुजरात के मंदिरों की बात करें तो गुजरात के अंदर बहुत सारे फेमस मंदिर है, जैसे हमारे अहमदाबाद में आया हुआ जैसे भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेड़ा मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल जो रथ यात्रा निकलते हैं अहमदाबाद के अंदर, जो रणछोड़राय टेम्पल जो डाकोर के अंदर है, रणछोड़राय टेम्पल, सन टेम्पल जो भी बात की हमने मोढ़ेरा मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सन टेम्पल, हाटकेश्वर टेम्पल वड़नगर के अंदर आया हुआ हाटकेश्वर टेम्पल, अंबाजी बनासकांठा के अंदर आया हुआ अंबाजी मंदिर, श्यामराजी टेम्पल अरवली डिस्ट्रिक्ट, सोमनाथ टेम्पल गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, जगत टेम्पल इन द द्वारका, द्वारका टेम्पल इन द द्वारका, बहुचराजी टेम्पल इन द मेहसाणा, स्वामीनारायण मंदिर, बहुत सारे स्वामीनारायण मंदिर है अहमदाबाद में भी है और गांधीनगर का विश्व विख्यात जो है वो स्वामीनारायण टेम्पल जो है, ब्रह्मा जी का मंदिर जो खेड़ ब्रह्मा में आया हुआ है ब्रह्मा जी टेम्पल, खोडियार मंदिर जो भावनगर में आया हुआ है एंड आशापुरा टेम्पल इन द कच्छ। सो दीज आर द डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर्स ऑफ द गुजरात। मॉस्क्यू की अगर हम बात करें, मस्जिद जो मस्जिद भारत के अंदर गुजरात के अंदर अगर बात करें तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद के अंदर बनाई गई जामा मस्जिद जो अहमद शाह फर्स्ट
इन 1424 एडी जो है जामा मस्जिद, कि जो अहमदाबाद जो हम नाम बोलते हैं वो नाम हुआ है अहमद शाह फर्स्ट, जो दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जिसने अपना एक अलग ही गुजरात सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट किया था, और उसने ये शहर बनाया था साबरमती नदी के किनारे और उसका नाम रखा था अहमदाबाद। उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है कि जो अहमद शाह जो राजा था, जो बादशाह, एक बार अपने जो कुत्ते के साथ साबरमती नदी के किनारे टहलने जाता है। उस टाइम पे तो पूरा ये जंगल था और नदी बहती थी वहां पे, अहमदाबाद शहर उसने नहीं बसाया था। तो वो जब कुत्ते को वहां से लेकर गया जाता था, तो वहां पे वो नदी के किनारे एक रैबिट मिला, एक ससला जिसको बोलते हम रैबिट, रैबिट मिला। तो वो रैबिट को देखकर वो कुत्ता उसको खाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो रैबिट भी बहुत ही बहादुर था। वो रैबिट ने भी कुत्ते के सामने मुकाबला किया और कुत्ते को ऐसा डराया कि कुत्ता वहां से डर के भाग गया, और ये कुत्ता था अहमद शाह फर्स्ट, अहमद शाह राजा का। तब राजा को मन में ये ख्याल आया कि भाई इस नदी के पानी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक रैबिट जैसा एक डरपोक अगर प्राणी अगर इतनी हिम्मत दिखा सकता है, तो यहां अगर मैं एक शहर बसाऊं और वो शहर के जो लोग ये नदी के पानी पिएंगे तो किस प्रकार के जो है वो उनका जो पावर बढ़ेगा। तो इस प्रकार की मेंटालिटी लेकर उसने फिर अपने जो मानते थे अपने जो पीर या तो अपने जो उनसे बात की पंडितों से, उनके जो मुस्लिम है, और उन्होंने बोला कि 5 अहमद नाम के जो इंसानों के द्वारा इस शहर की तुम स्थापना कराओ। तो 5 अहमद के नाम पूरे भारत में से जो ऐसे ढूंढते हैं जो एकदम नेक हो, और ऐसे हाथों से बनाया गया ये अहमदाबाद शहर, अहमद शाह ने बनाया। जामा मस्जिद जो भी बनाई 1424 में, 1411 में बनाया गया था अहमदाबाद। ये जामा मस्जिद को है 260 पिलर्स एंड ऑल्सो द 15 डॉम्स, और गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर आप लोगों को मालूम है फेमस है सीधी सैयद ग्रिल, सीधी सैयद की जो ग्रिल है दैट इज ऑल्सो द यूनिक आर्किटेक्चर्स ऑफ द मिडेवल पीरियड। सरखेज का रोजा, शेकिंग टावर्स, उसकी भी एक हिस्ट्री है कि शेकिंग टावर जिसको हम झूलता मिनारा बोलते हैं, जो अहमदाबाद जो सहारनपुर के एरिया में वहां पे आया गया है, शेकिंग टावर्स, अगर एक टावर्स के ऊपर चढ़ के वहां पे आप उसको ऐसे मूव करोगे तो सामने वाला दूसरा टावर्स भी मूव होगा, और ये क्यों मूव हो रहा है वो मिस्ट्री आज तक किसी कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाया। दैट इज द शेकिंग टावर्स ऑफ द अहमदाबाद। रानी सिपरी मॉस्क्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नगीना मॉस्क्यू। सो दीज आर अबाउट द मॉस्क्यूज ऑफ द आर्किटेक्चर्स ऑफ द गुजरात। जैन मंदिरों की बात करें तो गुजरात के अंदर आए हुए जो जैन मंदिर है वो हठीसी जैन टेम्पल्स, कुंभारिया जो अंबाजी के जो नजदीक है कुंभारिया, संखेश्वर, सिद्धगिरी, शेत्रुंजय, पालीताना, दीज आर द जैन टेम्पल्स। और अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में आए हुए सारे जो प्लेसेस है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जैसे भद्रकाली टेम्पल है, फिर सॉरी अडालज की जो स्टेप वेल की अगर बात करें तो स्टेप वेल ऑफ द अडालज, अडालज की जो स्टेप वेल आई हुई है वो आप लोगों ने सब देखी होगी, दादा हरी स्टेप वेल ऑफ अहमदाबाद, द राण की वाव, पाटन की राण की वाव, हीरा भागोड़ डभोई के अंदर आया हुआ हीरा भागोड़ की जो स्टेप वेल है दैट इज ऑल्सो द फेमस, फिर भद्र दरवाजा, फिर फोर्ट देखे तो अहमदाबाद इज द दैट इज द हिस्टोरिकल सिटी। अहमदाबाद जो है वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद इज द हेरिटेज सिटी, द फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ द इंडिया। जैसे 3 दरवाजा है, लाल दरवाजा है, जो भद्रकाली है, जो भद्र फोर्ट है, काकरिया लेक है, नगीना वाड़ी है, बहुत सारे ऐसे जो प्लेसेस है। जैसे अगर गुजरात की अगर बात करें तो हुंसर लेक है, जो हुंसर लेक एंड देयर इज अ कांकरिया लेक, रुद्र महालय जो आया हुआ सिद्धपुर के अंदर आया हुआ रुद्र महालय है, और जो सहस्त्रालिंग पाटन का जो सहस्त्रालिंग लेक है एंड द मुनसर लेक, दीज ऑल आर द वेरी फेमस एंड द यूनिक आर्किटेक्चर्स ऑफ द गुजरात। जो सेम टॉपिक है जो हमने फर्स्ट लेसन में जो पढ़ा दैट इज द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, सॉरी कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, दैट इज द सेम टॉपिक हियर, दैट इज द आर्किटेक्चर्स ऑफ गुजरात। सो हियर द लेसन नंबर
3 इज कंप्लीटेड। जय हिंद।